देखिए 14 पत्नियां हैं, 14 पत्नियां जो हैं वो क्रिश्चियन लाइफ स्टाइल को प्रकट करती हैं कि कैसी होनी चाहिए। तो वो पत्नियों का जो वर्णन, मसीह की जो पत्नी है उनका वर्णन हमारे अंदर लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 4थे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरहियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 11:1-3 तक के विषय में जो है उसके 9वें भाग के विषय में सीखा था। आज हम प्रकाशित वाक्य 11:1-3 के ही विषय में उसके 10वें भाग के विषय में सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य 11:1-3 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वह पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। इसका जो पहला पॉइंट है, परमेश्वर का मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नापना। पिछले संदेश में हमने महापवित्र स्थान में जो वाचा का संदूक रखा हुआ था उसके विषय में सीखा था। और परमेश्वर का वचन जो है इस विषय में बताता है कि महापवित्र स्थान में जो वाचा का या साक्षी का संदूक के बारे में जो बातें हैं वो हमने सीखी थी। आज हम इसी साक्षी पत्र अर्थात परमेश्वर के द्वारा 10 आज्ञाओं के बारे में सीखेंगे कि इन आज्ञाओं का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसको भी समझना जरूरी है। अभी तो हमने सिर्फ वाचा के संदूक के विषय में सीखा था पिछले संदेश में। यहां है हमारे जीवन में 10 आज्ञाओं का महत्व जो है। अक्सर लोग सोचते हैं कि 10 आज्ञाएं सिर्फ इसराइलियों को दी गई हैं या उनके लिए थी, ऐसा नहीं है। ये 10 आज्ञाएं जो है परमेश्वर ने हमें भी दी हैं। हमारी ये सोच गलत है, क्योंकि वाचा का संदूक या साक्षी का संदूक जो है प्रकाशित वाक्य के अंदर 2 बार जो है यूहन्ना को वाचा के संदूक के दर्शन कराए गए हैं। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है भविष्यवाणी की पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा। और कोई भी भविष्यवाणी की पुस्तक जो है वो उसके बारे में जो बातें लिखी हैं वो कहां है, वो भविष्य के बारे में है। जी हां, तो इसका मतलब अगर वाचा का संदूक जो है प्रकाशित वाक्य के अंदर है, जो यूहन्ना को दिखाया गया भविष्यवाणी की पुस्तक के अंदर है, तो इसका मतलब वो भविष्य के लोगों के लिए वो बातें रखी गई हैं, भविष्य के लोगों के लिए है। यानी वाचा के संदूक में जो 10 आज्ञाएं हैं, जो 2 पत्थर की जो पट्टियां थी उनमें जो 10 हुक्म लिखे थे, वो आज हमारे लिए भी बहुत ही महत्व रखते हैं। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसका 5वां पद, इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, साक्षी का तंबू का मंदिर खोला गया है। क्यों खोला गया? कि वहां पर जो वाचा का संदूक था, साक्षी का तंबू से क्यों कहा जाता था, क्योंकि वहां साक्षी पत्र रखे हुए थे, वहां साक्षी का संदूक था जिसमें परमेश्वर ने अपने उंगलियों से लिखकर 10 आज्ञाएं मूसा को दी थी कि उसको उस वाचा के या साक्षी के संदूक में रखना, इसलिए वो साक्षी का तंबू कहलाया जाता था। ये बात हम पिछले संदेश में भी कर चुके हैं। आगे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जो बताता है कि वो क्या कहता है कि उसे तंबू कहा जाता था क्योंकि उसमें साक्षी का पत्र था। परमेश्वर के द्वारा लिखी गई पत्थर की 2 पट्टियां जिनके कारण उसे साक्षी का तंबू कहा जाता था। स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खुलता है और यूहन्ना 7 स्वर्गदूतों को 7 विपत्तियों के साथ तथा परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों के साथ देखता है। प्रकाशित वाक्य 15 उसका 6-7 पढ़ सकते हैं। इसका क्या मुख्य कारण? क्योंकि परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है। जैसे साक्षी का तंबू खोला गया, जैसे
ऊपर में वो दर्शन देखता है, वैसे वो वहां पर जो है उस तंबू के अंदर सात सरदूतों को सात विपत्तियों के साथ परमेश्वर के साथ कटोरों के साथ देखता है। यानी परमेश्वर का न्याय जो है उस साक्षी तंबू के साथ जुड़ा है, यानी साक्षी जो पत्थर की पट्टियां थी उनके साथ जुड़ा है। हमारा न्याय जो है, ऐसा लगता है कि परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि हमारा न्याय इन 10 हुक्मों के आधार पर होना है। ये बड़े समझने की बात है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी विशेषता को समझे। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसके 8 पद में, और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन सातों सरदूतों की सातों विपत्तियां समाप्त ना हुई तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। अब ध्यान करना, उस मंदिर में प्रवेश करना, कौन से मंदिर में? साक्षी के तंबू में प्रवेश करने की बात हो रही है। जैसे मूसा के समय में उस महापवित्र स्थान में जहां साक्षी का पत्र रखा हुआ था, साक्षी का संदूक था, वो पूरा धुएं से भर जाता था, ऐसे ही यहां पर जो है पूरा धुएं से भर गया, और जब तक वो सात विपत्तियां पूरी नहीं हो गई तब तक उस मंदिर के अंदर किसी ने प्रवेश नहीं किया। सात विपत्तियों का पूरा होने का मतलब है कि जब तक परमेश्वर ने पूरा न्याय नहीं चुका दिया, जब तक न्याय नहीं हो चुका तब तक कोई उस मंदिर में, उस साक्षी के तंबू में किसी ने प्रवेश नहीं कर पाया, नहीं किया उसने। ये बड़े समझने की बात है। फिर क्या लिखा हुआ, पहली बार जो है वो यूहन्ना कहां पर देख रहा है? प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 19 में। प्रकाशित वाक्य 15 के 5 में उसने दूसरी बार देखा। यह मैंने पहले इस बात को इसलिए रखा है ताकि आप उस भेद को समझ सकें, उस साक्षी के तंबू को समझ सकें। अब यहां प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 19 पद में जब वो पहली बार देखता है, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप और बड़े ओले पड़े। अब यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहां पर भी बातें न्याय की है, साक्षी पत्र के साथ है। जी हाँ, यहां पर क्या है, वो मंदिर खोला गया, अब यूहन्ना देखता है उसको और उसमें वाचा के संदूक को देखता है, वहां पर बिजलियां गर्जने शब्द, इसका मतलब, इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है कि परमेश्वर की उपस्थिति जो है वहां पर उस संदूक के ऊपर है, जैसे मूसा के समय में हुआ करती थी, ऐसी स्वर्ग में जो संदूक है वाचा का उसके अंदर वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट किया जा रहा है। वहां पर जो है वाचा का जो मतलब है, जी हाँ, वाचा का संदूक, हम वाचा के अर्थ को समझे, एग्रीमेंट यानी समझौता। परमेश्वर ने बीते हुए समय में बहुत से लोगों से जो है अलग अलग तरीके से समझौता किया है, एग्रीमेंट बांधा, वाचा बांधी है उनसे। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, बहुत है, ऐसे बहुत उदाहरण है, अब्राहम से, जाक से, याकूब से, दाऊद से, सुलेमान से, जाने कितने उदाहरण हैं उस वाचा के बारे में। परंतु मैं एक उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं ताकि आप उसको समझ जाए। जब जरपलरे के बाद की बात को आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति 9 अध्याय 12 से 16 तक, परमेश्वर ने नूह के से एक वाचा बांधी कि मैं ये वाचा बांधता हूं कि अब से मैं इस पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा नाश नहीं करूंगा। और उसने अपनी वाचा नूह से बांधी और उसने कहा मैं इस वाचा का चिन्ह जो है वो बादलों में रखता हूं, और उसने वो धनुष जो है वो बादलों में रखा। आपने देखा होगा सात रंग का जो धनुष जो दिखाई देता है वो परमेश्वर की वाचा को प्रकट करता है। वो धनुष इसलिए दिखाई देता है कि परमेश्वर हम मनुष्यों को यह बताना चाहता है कि मेरे बच्चों, मेरे बेटे बेटियों, मुझे अपनी वाचा याद है कि मैं इस पृथ्वी पर अब नूह के समय में जैसा जल प्रलय आया था वैसा कभी नहीं। ये इस तरीके की वाचा, ऐसे ही परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 10 आज्ञाओं की वाचा का वो चिन्ह भी जो है वो दिखाई देना चाहिए। अब वो 10 आज्ञाओं की जो वाचा का चिन्ह है वो हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। वो वाचा है, परमेश्वर ने वाचा बांधी है हमसे। परमेश्वर अपनी वाचा पूरा करता है तो जिससे बांधी है वो पूरा नहीं करेगा, क्योंकि जल प्रलय किस कारण आया था? पाप के कारण आया था। इसलिए परमेश्वर जो वाचा बांधता है वो दो लोगों के बीच में बनती है, परमेश्वर के और मनुष्यों के बीच में, और मनुष्य
कि वाचा का यह होता है कि अब हम कभी भी पाप नहीं करेंगे जिसके कारण हमने परमेश्वर को क्रोध दिलाया था। और वो जो वाचा का चिन्ह बादलों में दिखाई देता है वो इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर हमारे पापों के कारण, हमारी बुराइयों के कारण हमसे नाराज होकर उसने इस पृथ्वी को क्या करा था, नाश कर दिया था। अब हम कभी जो है ऐसी बुराई नहीं करेंगे कि परमेश्वर इस पृथ्वी को या हमारे जीवन को नाश कर, पृथ्वी को तो वो नाश करेगा परंतु हमारे जीवन को नाश नहीं करेगा जो उस वाचा को पूरा करता है। उसके और परमेश्वर के बीच में जो है वो वाचा बंधी है। यिर्मयाह 31 का 32 है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वे यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरी प्रजा ठहरेंगे, यहोवा की यह वाणी है। अब यहां क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं इज़राइल के घराने से वाचा और अपनी वाचा कहां है, उनके मन में समाऊंगा। अब वो अलग से कुछ नहीं देने जा रहा है या लिखित रूप से कुछ नहीं देने जा रहा, बल्कि वो वाचा मन में समाना, उनके हृदय पर लिखी होनी चाहिए। ये इज़राइलियों के लिए। अभी आगे देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब आप उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 13वां पद पढ़ेंगे, एक वाचा के बारे में और बात करता हूं मैं आपको, जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिए जाए उसका खतना अवश्य ही किया जाए, इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा ये युग युग ठहरेगी। अब देखिए यहां पर क्या है, इस वाचा का चिन्ह यानी खतना जो है वो देह के अंदर होता था, वो चिन्ह जो था देह में होता था यानी उन मनुष्य के जीवन में होता था वो वाचा, और वो वाचा उनको स्मरण दिलाती थी कि हम परमेश्वर के लिए डेडिकेट किए गए हैं, हम परमेश्वर के लिए अभिषेक किए गए हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। परंतु आज जो है, आज हमारे समय में परमेश्वर हमसे क्या कहता है, वो उनके हृदय पर लिखने की बात करता है, वो उनकी देह पर वो चिन्ह था, परंतु आज क्या है, दूसरा कुरंतियों 3:3 पद, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा गया। अब देखिए यहां पर दो चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज कि हम मसीह की पत्री हैं। देखिए 14 पत्रियां हैं, 14 पत्रियां जो हैं वो क्रिश्चियन लाइफ स्टाइल को प्रकट करती हैं कि कैसी होनी चाहिए। तो वो पत्रियों का जो वर्णन, मसीह की जो पत्री हैं उनका वर्णन हमारे अंदर लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए, हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए, यानी हमारे जीवन के द्वारा हमारे कार्य, हमारा चाल चलन, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे बोलचाल, हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होना चाहिए। और इन सब बातों के कारण ये लोगों को दिखाई देना चाहिए कि हम मसीह की पत्री हैं। और दूसरी चीज देखिए, इज़राइलियों के हृदय पर लिखने की बात कर रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु मैं हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखूंगा, हमारे हृदय पर। अब पत्थर की पट्टियां क्या है और हृदय की पट्टियों पर, वही वचन जो पत्थर की पट्टियों पर लिखे हुए थे वही हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर परमेश्वर लिखा हुआ देखना चाहता। और यही वाचा है कि उसके अंदर जो लिखा हुआ है उन 10 आज्ञाओं में कि हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी का लालच नहीं करेंगे, हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, हम प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेंगे, हम एक ही परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम परमेश्वर के दिन को पवित्र मानेंगे, हम माता पिता का आदर करेंगे, ये सारी बातें जो हैं ये सब कुछ हमारे अंदर दिखाई देनी चाहिए। करते हुए अगर हम उस कार्य को कर रहे हैं तो परमेश्वर देख रहा है, हाँ इसके हृदय पर मेरी वाचा के जो पट्टियां हैं वो लिखी हुई हैं, परमेश्वर कहता है। साक्षी पत्र के बारे में जब हम बात करते हैं, पत्थर की दोनों पट्टियों को साक्षी पत्र भी कहा गया। साक्षी पत्र का मतलब, साक्षी का मतलब होता गवाही है, कि वो पत्थर की पट्टियां जो है जिन पर वो वचन लिखे हुए थे वो हमारे जीवन में इस बात की गवाही देते हैं कि हम इसको पूरा करते हैं और इसको पूरा करते हुए हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को का पालन भी करता है, उन आज्ञाओं को मानता है और मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं है।
और ये बात इस बात को प्रकट करती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। सबोपदेशक 12 अध्याय उसके 13वें पद में लिखा, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। देखिए अंत की बात है, यह सब कुछ सुन लिया हमने, परंतु अंत में क्या है, सिर्फ दो ही बातें हैं कि हम परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। यही हमारा कर्तव्य, यही हमारी ड्यूटी है, पूरी ड्यूटी है हमारी। और वो आज्ञाएं क्या है, जो हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर परमेश्वर ने लिखी है, जो परमेश्वर ने जिन पट्टियों के द्वारा हमसे वाचा बांधी है, जिन पट्टियों के द्वारा परमेश्वर हमारे और आपके बीच में साक्षी होता है कि हाँ परमेश्वर हमारे अंदर है। क्योंकि पट्टियां जहां होती हैं, पत्थर की दोनों पट्टियां जहां हैं, वाचा का संदूक हम हो जाते हैं और पट्टियां हमारे अंदर हैं, वो वचन लिखा हुआ है, तो परमेश्वर हमारे अंदर होकर बात करता बोलता, क्योंकि जहां वाचा की पट्टियां हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। चाहे आप मूसा के द्वारा तंबू देख लीजिए, चाहे आप परमेश्वर के स्वर्गीय मंदिर में देख लीजिए जहां पर प्रकट किया जा रहा है कि परमेश्वर कहां पर है। योहन्ना 14:15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह कहता है कि मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानो, और वो आज्ञाएं क्या है, वो वाचा के संदूक में जो वाचा बांधी गई है वो है। पहला योहन्ना 2:3-4 जब आप पढ़ेंगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो यह बात इस बात को प्रकट करती है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, और जो परमेश्वर को जानता है परमेश्वर उसे जानता है, और उसका और परमेश्वर का संबंध जो है वो बड़ा पवित्र है। परमेश्वर उसके साथ है और वो परमेश्वर के साथ है। परंतु जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है बिल्कुल। और अगर वो झूठा ठहरता है तो उसका पिता कौन हुआ, योहन्ना 8:44 में लिखा हुआ है कि वो झूठों का पिता है, कौन है, शैतान। तो हम समझ जाएं कि ये वाचा का संदूक जो है वो ऐसे ही नहीं दिया गया है, ये सिर्फ इसराइलियों के लिए नहीं है, ये सब समय के लोगों के लिए है। क्योंकि वाचा के जो महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक रखा था, उसकी एक एक बात आज पूरा नए नियम में भी देखने को मिलती है, जो मेरे और आपके लिए। तो आइए प्यारे भाइयों बहनों, हम इस वाचा के वर्शिप को, इस वाचा की सेवकाई को अपने जीवन में पूरा करें, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हमेशा बनी रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे।